साद ने अभी बड़े रिसेंटली बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तो बड़ा अच्छा, आई टेक हिम एज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। सो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा नहीं ख्याल वापस आएंगे, तो इस चक्कर से निकलो, तो मूव फॉरवर्ड और डिलीवर करो, और क्योंकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जब जाके कैंडिडेट को हल्कों में घूमना फिरना पड़ेगा और वोट मांगने पड़ेंगे, तो उसके लिए उसके पल्ले कुछ होना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, इज ही राइट और नो? मेरा ख्याल है चौधरी शाह साहब ने ना एक बड़ा सरा थोड़ा लेके छोटे ये किलते मार के बिल्कुल गलबाजी कर दी थी। सही है, हकीकत है यार। गल सुन राणा साहब, सर तीन दफा तो वजीर आजम है, उदा अपना मुल्क है, वो क्यों नहीं आना वापस? ठीक है, उन्हें नहीं आना वापस। अच्छा, हाँ वो इस करके वापस नहीं आना जिसे चौधरी शाह साहब कह रहे ने, ऐसे आके करेगा की अदालत, अदालतों का सामना करना होंगे तो बाहर जाते ही क्यों? नंबर एक। नंबर दो, जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सीन जो बना हुआ है ना हमारे, हमारे वहां बात का बन गई है, जो हुकूमत समझ नहीं रही है, हुकूमत भी इसी ट्रैप में फंसती जा रही है। ये ऑपोजिशन मिल मिला के एक नैरेटिव बना दिया है जो पूर गवर्नेंस है, महंगाई हो गई है, लुटे गए थे मारे गए। अच्छा, अब ये जो नैरेटिव ऑपोजिशन लेके चल रही है ना, तो ऑपोजिशन के मुंह तो गाली चंगी लगती है।